हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हम इस कॉन्टेक्ट पेज को स्टार्ट कर चुके थे, बट अभी हमने इसमें कुछ कोड नहीं लिखा है, केवल एक हेडिंग दिया था, कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, लॉगिन का वर्क हमारा कंप्लीट हो गया था। अबाउट अस अभी हमने इसमें भी हेडिंग दिया है। ठीक है, तो पहले हम कॉन्टेक्ट अस वाले पेज को डिज़ाइन कर लेते हैं। तो मैं पाईचार्म को ओपन कर लेता हूँ, और पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इतना कोड कर लिया था। ठीक है, डिवीज़न बनाया था, क्लास यूज़ कर ली कंटेनर, उसके अंदर एक H2 में हमने लिखा कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, फिर इसके बाद हम यहाँ पे रो और कॉलम्स का यूज़ करेंगे। तो कंटेनर के अंदर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक रो बना लेता हूँ। तो मैंने डिवीज़न के अंदर एक रो क्रिएट कर ली, तो मैं क्लास यूज़ कर लूँगा रो। ठीक है, तो मैंने रो क्लास को यूज़ किया, और रो के अंदर मैं कॉलम्स यूज़ करूँगा, और मैं यहाँ पे 4 कॉलम्स बनाना चाहता हूँ। तो टोटल कॉलम्स का साइज कितना होता है, 12 होता है। तो अगर मुझे 4 कॉलम्स बनाने हैं, तो एक कॉलम का साइज मैं कितना रख दूँगा, 3 रख दूँगा। तो मैंने डिवीज़न बनाया, और इसमें मैंने जो कॉलम बनाया, कॉलम SM माइनस 4 दे दिया, या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉलम लार्ज का यूज़ कर सकते हैं, कॉलम लार्ज 3। ठीक है, अब ये मैंने LG क्यों लिखा है, यहाँ पे लार्ज क्यों लिखा है, SM क्यों नहीं लिखा, वो अभी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, आउटपुट जब आएगा। ठीक है, तो मैंने लिखा कॉलम लार्ज 3। ठीक है, अब इसके अंदर हम एक H4 बना लेते हैं, हेडिंग 4, और हेडिंग 4 के अंदर हमने लिखा कॉन्टेक्ट। ठीक है, और इसके नीचे हमने यूज कर लिया पैराग्राफ। पैराग्राफ में हमने कॉन्टेक्ट नंबर स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिखा +91860 2768216। ठीक है, मैंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे लिखा। मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे ये इस तरीके से आ चुका है। ठीक है, अब ये जो कॉन्टेक्ट नंबर है, अब पहले तो मैं क्या करता हूँ, ये जो H4 है उसमें जो कॉन्टेक्ट लिखा है उसके आगे मैं चाहता हूँ एक आइकॉन आ जाए। ठीक है, फॉन्टोसम वेबसाइट से मैंने आपको बताया था, आप आइकॉन्स यूज़ करके लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, फॉन्टोसम को मैंने यूज़ कर लिया। ठीक है, फॉन्टोसम वेबसाइट को मैंने ओपन किया, और यहाँ पे आप आइकॉन्स सर्च कर सकते हैं। जैसे मुझे होम का आइकॉन सर्च करना है, तो मैंने होम लिखा। ठीक है, आइकॉन्स मुझे यहाँ पे नेविगेशन बार में भी लगाने थे, तो मैंने होम लिखा यहाँ पे। ठीक है, तो फॉन्टोसम वेबसाइट में जाके आपने सर्च किया होम, तो ये बहुत सारे आइकॉन्स यहाँ पे आ रहे हैं। मैंने पहला वाला यूज़ कर लिया, इसको यूज़ कर लिया। ठीक है, इस पर क्लिक किया तो मुझे क्या मिलेगा, इसका एक कोड मिल जाएगा। आई थिंक मैंने पहले भी शायद आपको बताया था। तो ये मुझे यहाँ से कॉपी करना है। ठीक है, फॉन्टोसम वेबसाइट पे जाके कोई भी आइकॉन सर्च कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट, मोबाइल, ईमेल। ठीक है, तो मैंने सर्च किया होम। ठीक है, तो मैं आपको नेविगेशन बार में ये जो होम लिखा है उस पर ये होम के आगे आइकॉन लगा देता हूँ। ठीक है, तो नेविगेशन बार को ओपन कर लेता हूँ मैं। नेविगेशन बार डॉट HTML हमने एक पेज बनाया था, तो उसमें जहाँ पे ये होम लिखा है। ठीक है, तो होम के जस्ट पहले मैंने ये कोड यहाँ पे जो मैंने कॉपी किया फॉन्टोसम से, उसको यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, और एक स्पेस भी दे दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, फॉन्टोसम का जो आइकॉन था वो यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो होम, अबाउट, ये सारे आइकॉन्स आप यहाँ सर्च कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फॉन्टोसम की जो आइकॉन्स मैं लगा रहा हूँ उसके लिए आपका एक CDN यहाँ पे होना चाहिए,
फोंटोसम का CDN, ठीक है ये वाला, ठीक है ये आप नेट पे सर्च करेंगे फोंटोसम CDN, तो ये CDN आपको मिलेगा। ये CDN आपको यहाँ पे लगाना है, या मैंने बताया था W3 स्कूल बूटस्ट्रैप 4 में जाके भी आपको ये मिल जाएगा आइकॉन्स वाले सेक्शन में। ठीक है तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अबाउट। अब अबाउट में ये सब आ रहा है, तो जो भी आपको सही लगता है वो आप ले सकते हैं। तो मैंने ले लिया इसको एड्रेस कार्ड को, ठीक है। आपको ये आइकॉन का अगर नाम पता है तो आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे इसका नाम है FARFA एड्रेस कार्ड, आप चाहें तो खुद भी वहाँ टाइप करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अबाउट पे भी आइकॉन लगा देता हूँ। तो नेविगेशन बार में जहाँ पे मैंने ये अबाउट का लिंक दिया है उसके पहले, अबाउट जहाँ पे लिखा है उसके जस्ट पहले मैंने ये आइकॉन यूज़ कर लिया, एक स्पेस भी दे दिया ताकि आइकॉन के बाद एक स्पेस और उसके बाद अबाउट लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। तो देखेंगे आप, ये आइकॉन भी आ गया, इसी तरह कॉन्टेक्ट आप खुद लगा लेंगे। मैं समझता हूँ कि आप इसको कर लेंगे, मैं बस तरीका आपको बता रहा था। तो यही आइकॉन में यहाँ भी यूज़ करने वाला हूँ इस तरीके के कुछ। अब आइकॉन्स के नाम मुझे पहले से कुछ पता हैं जो मैं हर बार यूज़ करता रहता हूँ, तो मैं डायरेक्ट फोंटोसम पे ना जाके डायरेक्ट यहाँ पे नाम उसका लिख देता हूँ, जैसे ये कॉन्टेक्ट लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक आइकॉन लगाना चाहता हूँ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आई टेक का यूज़ करते हैं आइकॉन के लिए, ठीक है। आप आई लिखते हो और यहाँ पे क्लास यूज़ कर लोगे, तो मैं एक मोबाइल का आइकॉन में चाहता हूँ आ जाए, तो FS, ठीक है, मोबाइल का या फ़ोन का बोल सकते हैं। तो मुझे क्लास का नाम पता है FS FA-Phone-Square, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आइकॉन आ गया, ठीक है। यहाँ भी एक स्पेस हम दे देते हैं, ठीक है। और ये जो कॉन्टेक्ट नंबर लिखा है, तो मैं क्या करता हूँ इसको एक एंकर टेग के अंदर रख लेता हूँ, ठीक है। मैंने एक एंकर टेग यूज़ किया, एंकर टेग HREF, और HREF में मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा ठीक है, मैं चाहता हूँ ये जो कॉन्टेक्ट नंबर पे अगर कोई क्लिक करता है, मतलब मोबाइल नंबर पे अगर कोई क्लिक करता है, तो एक एप्लीकेशन कोई भी आपके सिस्टम में अगर हो, स्काइप हो या ऐसी कोई एप्लीकेशन जिससे हम कॉलिंग कर सकते हैं, तो उसको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाए। तो कॉन्टेक्ट नंबर के लिए जो आप लिंक बनाते हो, तो उसमें आप क्या लिखते हो, HREF में आप वैल्यू लिखते हो टेलीफोन TEL कॉलन का सिंबल और ये कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है। और एंकर टेक को हम यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्पेस भी आ गया और ये एक लिंक के फॉर्म में आ गया। यहाँ पे मैं चाहता हूँ थोड़ा स्पेस आ जाए, ये कॉन्टेक्ट नंबर और ये जो कॉन्टेक्ट नंबर मैंने दिया है, कॉन्टेक्ट और कॉन्टेक्ट नंबर के बीच में, मतलब H4 और पैराग्राफ के बीच में कुछ स्पेस होना चाहिए, मार्जिन होना चाहिए। तो पैराग्राफ के अंदर जाके मैं क्या करता हूँ, मार्जिन यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्लास यूज़ कर ली, मार्जिन टॉप, मार्जिन दे दिया टॉप से 3, और फॉन्ट जो है बोल्ड हो जाए, तो मैंने लिखा फॉन्ट वेट बोल्ड, ठीक है। और यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये जो कॉन्टेक्ट अस लिखा है उसके बाद ना थोड़ा सा स्पेस आ जाए, मतलब ऊपर से थोड़ा सा स्पेस चाहिए। तो मैं मार्जिन स्टाइल भी लगा सकता था या मैं दो ब्रेक लगा देता हूँ, ठीक है। HTML के दो ब्रेक टेग हमने यूज़ कर लिए, तो थोड़ा सा ये ठीक है, और थोड़ा नीचे करना सही रहेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, या तो मार्जिन क्लास भी यूज़ कर सकते हैं,
मैंने दे दिया मार्जिन टॉप से 5। ठीक है, या तो एक दो ब्रेक और लगा लीजिए। ठीक है, ठीक है, इतना करने के बाद इसी तरीके से मैं और भी डिव बना लूंगा। ठीक है, उसके अलावा आपको कुछ स्टाइलिंग करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। चाहे तो जो CSS आप लगाएंगे वो इसी फाइल के अंदर रख सकते हैं, या फिर आप कोई दूसरा फाइल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैं कलर दे देता हूँ, एंकर टैग में एक क्लास लगा देते हैं हम, टेक्स्ट डेंजर। मैं चाहता हूँ इसका जो कलर है वो कैसा हो जाए, रेड हो जाए। तो टेक्स्ट डेंजर को मैंने यूज़ कर लिया, तो ये आप देख रहे हैं रेड कलर के फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये एप्लीकेशन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया। मेक अ कॉल फ्रॉम, किस एप्लीकेशन का यूज़ करके आप कॉल करना चाहते हैं, स्काइप यूज़ करना चाहते हैं, या बहुत सारी एप्लीकेशन होती हैं, बट मुझे अभी कुछ नहीं करना है। ये मैं जस्ट आपको समझा रहा था कि जब भी आप मोबाइल नंबर देते हैं तो उसमें ये लगा सकते हैं, एंकर टेग लगा सकते हैं, और उसमें HREF में आप टेलीफोन और जो आपका टेलीफोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, वो आप दे सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये तो हमारी रो के अंदर एक कॉलम हो गया। अब इसी तरीके से मैं टोटल 4 कॉलम्स बनाना चाहता हूँ। ठीक है, टोटल में कितने कॉलम्स बनाना चाहता हूँ, 4 कॉलम्स बनाना चाहता हूँ। तो इसी को मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर लिया, और अब कॉन्टेक्ट की जगह मैं यहाँ पे दे देता हूँ सेंड ईमेल। ठीक है, किसी को अगर मेल सेंड करना हो तो वो मेल सेंड कर सकता है, और इसके लिए मैं आइकॉन यूज़ कर लेता हूँ FS, एक इनवेलप का आइकॉन आ जाए तो FA इनवेलप, है ना। ये सब नाम आपको मिल जाएंगे वहाँ से, फॉन्टोसम वेबसाइट पे बहुत सारे आइकॉन्स वहाँ मिलेंगे। आप जस्ट टाइप करेंगे सेंड ईमेल या ऐसा कुछ ईमेल, तो आपको बहुत सारे आइकॉन मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ईमेल आईडी हम दे देते हैं। तो मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, और इसी ईमेल आईडी को मैंने यहाँ भी यूज़ कर लिया HREF में। ठीक है, और HREF में आप यहाँ पे क्या करो, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था टेलीफोन, अब यहाँ पे जब आप मेल सेंड करना चाहते हो, ठीक है, जब आप ईमेल आईडी स्पेसिफाई करते हो तो आप यहाँ पे लिखोगे मेल टू कॉलन। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, मेल टू कॉलन का सिंबल। तो इससे क्या होगा, आप मेल सेंड कर सकते हैं, जो कोई भी जो है आपको इस मेल आईडी पे मेल सेंड कर सकता है, किसी भी एप्लीकेशन का, आउटलुक का यूज़ करके, या बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे फिर से ये एक डायलॉग बॉक्स टाइप का आ गया, और यहाँ पे ये आउटलुक का ऑप्शन आ गया। ठीक है, या गूगल क्रोम का यूज़ करके आप मेल सेंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये मेल सेंड करने का ऑप्शन आ जाएगा, और वो मेल कहाँ जाएगा, जो एड्रेस आपने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है। ठीक है, अब इसी तरीके से एक और डिवीज़न बना लेता हूँ मैं। ठीक है, आप देख रहे हैं आइकॉन्स भी यहाँ पे आ गया था, है ना, ये एनवेलप का आइकॉन आ गया। ठीक है, एक और डिवीज़न में बनाता हूँ, और अब मैं बताता हूँ एड्रेस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा ऑफिस एड्रेस। ठीक है, ऑफिस एड्रेस लिखा, और यहाँ पे हम आइकॉन यूज़ कर लेते हैं FAS FA एड्रेस, एड्रेस कार्ड हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, FAS FA -address -card। ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ भी एड्रेस स्पेसिफाई कर देता हूँ।
ठीक है, जैसे मैंने टाइप किया इंद्रपुरी भोपाल। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इस एड्रेस पे अगर कोई क्लिक करता है तो गूगल मैप ओपन हो जाए, और गूगल मैप में ये जो लोकेशन मैंने यहाँ लिखा है इंद्रपुरी भोपाल, तो वो लोकेशन आपको दिखाने लगे गूगल मैप में। तो आपको क्या करना है, ये जो आपने यहाँ पे HREF लिखा है उसमें आपको गूगल मैप का लिंक देना है। आप लिखोगे https://maps.google.com/, उसके बाद फिर से आपको लिखना है मैप्स, और अब आप एक गेट वेरिएबल बनाओगे क्वेश्चन मार्क लगा के। ठीक है, फिर हमने लिखा क्यू, गेट वेरिएबल क्यू नाम का, और ये जो हमने लिखा है इंद्रपुरी भोपाल, तो आपको यही चीज़ यहाँ लिखना है, ये आपको कॉपी करना है, इंद्रपुरी सर्च करना है, और उसके अलावा क्या सर्च करना है, भोपाल सर्च करना है। तो प्लस लगा दिया और ये भोपाल लिख दिया। आपने जो भी एड्रेस लिखा हो पूरा प्लस लगा लगा के आप यहाँ लिखते जाएंगे। जैसे आपने कुछ नंबर दिया 233 C सेक्टर इंद्रपुरी भोपाल, तो आप 233+C सेक्टर प्लस इंद्रपुरी प्लस भोपाल ऐसा लिखेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने केवल इंद्रपुरी भोपाल लिखा है, तो मैंने प्लस लगा के इन दोनों को लिख दिया यहाँ पे। मैं इसको चेक करके देखता हूँ गूगल मैप ओपन होता है या नहीं होता है। तो अब मैंने इसको क्लिक किया, तो आप देखेंगे ये लोकेशन यहाँ पे ओपन हो गई इंद्रपुरी भोपाल। ठीक है, तो मैं एग्जैक्ट एड्रेस भी दे सकता हूँ, वो वहीं पे सर्च करके आपको दिखाएगा। ठीक है, हम इसको बैक करते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं ये लिंक जो है दूसरे टैब में ओपन होना चाहिए, तो टारगेट का यूज कर सकते हैं, टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक। ठीक है, उसके अलावा एक और हम कॉलम बना लेते हैं। इसको मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी करके मैंने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया, और एक और कॉलम मैंने बनाया, और यहाँ पे मैंने ऑफिस एड्रेस की जगह दे दिया ऑफिस टाइमिंग। ठीक है, मतलब ऑफिस का टाइम क्या क्या है, टाइम या हावर्स लिख देते हैं, ऑफिस हावर्स। ठीक है, और यहाँ पे मुझे वैसे एंकर टेक की ज़रूरत नहीं है, तो एंकर टेक को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, बट इसका कलर भी मुझे कैसा रखना है, टेक्स्ट डेंजर कलर देना है, मतलब रेड कलर देना है। ये पहले से बनी हुई एक क्लास है, तो टेक्स्ट डेंजर मैंने क्लास यूज़ कर ली, और यहाँ पे मैं कुछ टाइम लिख देता हूँ, हावर्स लिख देता हूँ 9:00 AM to 7:00 PM। ठीक है, रिफ्रेश किया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये टाइम भी आ गया। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं। अब ये मैं आपको ये बताने वाला था कि मैंने यहाँ पे लार्ज क्यों लिखा है, SM क्यों नहीं लिखा। तो जैसे क्या होगा, इसको अगर मैं मिनिमाइज करता हूँ, मैंने इसको छोटा किया, तो आप देख रहे हैं कि ये इस तरीके से दिख रहा है ना। अब मैं चाहता हूँ शुरू में, तो ये जब लार्ज स्क्रीन है, लार्ज स्क्रीन में एक रो में तीन तीन साइज के ये कॉलम्स आ रहे हैं, बट मैं चाहता हूँ जब छोटा करें, ठीक है, जब स्क्रीन को छोटा करें, स्मॉल करें, तो एक रो के अंदर दो कॉलम होने चाहिए 6-6 साइज के। ठीक है, तो शुरू में तो मैंने बता दिया कि लार्ज में तीन तीन साइज होना चाहिए। फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लार्ज के साथ साथ स्मॉल का भी यूज़ कर लेता हूँ, तो कॉलम लार्ज 3, और उसके बाद मैंने बता दिया कॉलम स्मॉल 6। जब स्मॉल स्क्रीन हो तो 6-6 साइज के दो कॉलम होने चाहिए। अभी एक एक हो रहा है ना, अभी आप देख रहे थे कि एक हो रहा था ना, एक एक आ रहा है,
एक एक नहीं, दो दो होने चाहिए ऐसा मैं चाहता हूँ। तो कॉलम SM6 लगा देता हूँ मैं सभी में। ठीक है, पहली प्रायोरिटी मेरी ये है, लार्ज में 3, स्मॉल में 6। ठीक है, तो ये हमारा जो हम बना रहे हैं जो प्रोजेक्ट, वो रेस्पॉन्सिव भी है, काफ़ी ज़्यादा रेस्पॉन्सिव हम इसको बना रहे हैं। आप देखेंगे अब यहाँ पे स्क्रीन को जब हमने छोटा किया तो ये एक रो के अंदर दो हो गए, और छोटा किया, और छोटा किया तो फिर ये सिंगल सिंगल हो गया। लेकिन जब सिंगल सिंगल हो रहा है तो अगर ये सेंटर में आ जाए तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा रो था उसमें हम क्लास यूज़ कर लेते हैं टेक्स्ट सेंटर। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया टेक्स्ट माइनस सेंटर। ठीक है, अब सही है। सो फ्रेंड्स, ये कंप्लीटली रिस्पॉन्सिव है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ये सेंटर में सही लग रहा है काफ़ी, ये कलर भी आ रहा है इसमें। ठीक है, इसमें भी हमने स्टाइल लगाया है। अब ये जैसे ही हमने स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा किया तो ये अब 6 6 के दो कॉलम आ गए, और बड़ा करेंगे तो यहाँ पे ये 3 3 के 4 कॉलम हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करते हो, वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाते हो। ठीक है, और क्या स्टाइल लगा सकते हैं, अब एक होवर इफेक्ट भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक क्लास यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ अपने कॉलम के अंदर, एक कॉलम के अंदर मैंने क्लास यूज़ कर ली माई डिव स्टाइल। ठीक है, अब सबसे पहले मैं इसको पहले वाले डिव में लगाता हूँ, मतलब पहले कॉलम में। तो हमारी एक CSS फाइल थी, एक CSS फाइल थी, अगर वो यहाँ पे आपको शो नहीं हो रही है तो आप चले जाओ प्रोजेक्ट के अंदर। प्रोजेक्ट के अंदर आपने स्टेटिक के अंदर एक CSS फाइल बनाई थी, CSS फोल्डर में माई स्टाइल डॉट CSS नाम का फाइल था। तो इसमें मैंने एक खुद की यहाँ पे क्लास बना दी डॉट माई डिव स्टाइल। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ क्लासेस यूज़ कर लेता हूँ, क्लासेस नहीं सॉरी, कुछ स्टाइल यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, CSS अप्लाई कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा बॉक्स शेडो। ठीक है, जब मैं होवर करूँ, जब मैं माउस होवर करूँ है ना, तो यहाँ पे होवर लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है, होवर क्या है, एक सूडो एलिमेंट होता है। जब हम माउस ओवर करेंगे जिसमें ये क्लास लगाई है उस पर, जैसे ही आप माउस ओवर करोगे तो बॉक्स का जो है कुछ शेडो आ जाए। ठीक है, मतलब वो जो डिवीज़न है उसमें कुछ शेडो आ जाए, तो बॉक्स शेडो मैंने दे दिया 0 0 20 पिक्सल, फिर 0 लिखा RGBA के फॉर्म में, मैंने कलर स्पेसिफाई कर दिया, मैं चाहता हूँ एक ब्लैक कलर का शेडो आ जाए थोड़ा सा, तो 0 0 0 0.3। ठीक है, बॉक्स शेडो है ना, इसका सिंटेक्स आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हम शेडो बताते हैं कि लेफ्ट से कितना शेडो चाहिए, टॉप से कितना चाहिए, फिर ब्लरनेस बताते हो। ठीक है, फिर स्प्रेडिंग कितना करना है, स्प्रेड कितना करना है शेडो को, और कलर चाहो तो आप नाम भी दे सकते हो कलर का, या RGBA फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो, रेड ग्रीन ब्लू, और लास्ट में ए जो होता है वो उसके लिए होता है, क्या बोलते हैं, ओपेसिटी के लिए होता है। ठीक है, ठीक है, एक तो मैंने यहाँ पे बॉक्स शेडो दे दिया, बॉक्स शेडो के बाद मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, ट्रांसफॉर्म कॉलन ट्रांसलेट। तो ट्रांसलेट वाई, मैं उसकी पोजीशन को चेंज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ वो जो डिव है वो थोड़ा ऊपर की तरफ चले जाए, तो -20 पिक्सल लिख दिया। ठीक है, तो ये क्लास माई डिव स्टाइल मैंने केवल अभी पहले वाले डिव में लगाई है। ठीक है, पहले वाले कॉलम में लगाई है।
अब मैं इसको रिफ़्रेश करके एक बार चेक करता हूँ, तो अभी तो यहाँ पे कोई स्टाइल मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, आई थिंक मुझे दोबारा से रन करना पड़ेगा। माय डिव स्टाइल क्लास तो मैंने लगा दी, एक बार दोबारा से रन करके देख लेते हैं, इसमें चेक कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, यहाँ तो सब कुछ सही लग रहा है मुझे, तो एक बार फिर से रन करके देख लेते हैं। तो कंट्रोल सी से मैं स्टॉप करता हूँ और फिर से मैं पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर लिख के रन करता हूँ। ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी भी यहाँ पे कोई होवर इफेक्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चेक करते हैं कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, मैंने ये क्लास यूज़ कर ली माई डेव स्टाइल, स्टेटिक को हमने लोड भी किया है यहाँ पे और नेविगेशन बार को भी यूज़ किया है। फिर माई स्टाइल डॉट सी एस एस में जो स्टाइल है वो क्यों नहीं आ रही है वो चेक कर लेते हैं। ओके, ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा माई डिव स्टाइल कॉलन होवर बॉक्स माइनस शेडो कॉलन 0 0 20 पिक्सल 0 RGB है 0 0 0 0.3 सेमी कॉलन ट्रांसफॉर्म कॉलन ट्रांसलेट वाई। ठीक है, सब कुछ तो सही है। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लगा के देख लेता हूँ। ठीक है, वैसे अप्लाई तो होना चाहिए, शायद वो अभी शो नहीं कर पा रहा है। ठीक है, मैं उसको कॉपी करके यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, मैं एम्बेडेड स्टाइल का यूज़ करता हूँ, स्टाइल ओपन किया, स्टाइल को क्लोज़ किया और यहाँ पे मैंने इस क्लास को यूज़ कर लिया माई डिव स्टाइल कॉलन होवर। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं ये वर्क कर रहा है। ठीक है, ठीक है, वैसे तो हमने उसको नेविगेशन बार में अप्लाई कर दिया था, वो जो CSS फाइल है वो हम यहाँ पे ऐड कर चुके हैं, फिर भी वो आ नहीं रहा था तो मैंने एम्बेडेड का यूज़ करके किया है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये स्टाइल इसमें आ गया, यही स्टाइल मुझे बाकी सब में भी चाहिए। ठीक है, तो यही क्लास मैंने बाकी सब में भी यूज़ कर ली। ठीक है, जो चारों डेव हैं उन सब में मैंने ये क्लास जो खुद की एक क्लास बनाई है माई डेव स्टाइल उसको यूज़ कर लिया। ठीक है, तो आप देखेंगे सभी में ये स्टाइल आ गया। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं बैकग्राउंड एक शेडो आ रहा है और इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये कॉन्टेक्ट अस का पेज तो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं यहाँ पे, होम, ये मैंने लिंक वगैरह सेट नहीं किया है होम पे अभी, है ना, और ये हमारा लॉगिन पेज भी ओपन नहीं हो पा रहा। वो हम क्या करते हैं, लॉगिन पेज कब आता है, जब हम शुरू में यहाँ पे सब कुछ हटा देते हैं, एंटर करते हैं तो ये आता है, बट यहाँ पे मैं चाहता हूँ होम पे क्लिक करें तो ये पेज खुलना चाहिए। अबाउट पे अबाउट अस पेज, कॉन्टेक्ट पे कॉन्टेक्ट अस पेज। अब जैसे लॉगिन पेज नहीं आ पा रहा है तो मैं क्या करता हूँ, जो हमारा नेविगेशन बार था
इसमें मैंने लिखा है कि ये जो लॉगआउट का ऑप्शन है ये कब आना चाहिए, जब लॉगिन हो जाए तब ये लिंक दिखना चाहिए, है ना। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे थोड़ा और चेंज करता हूँ, मुझे लॉगिन के बाद कुछ और लिंक्स भी दिखाने हैं, है ना। ये तो हमने लॉगआउट तो दिखा दिया, बट लॉगिन के बाद मैं चाहता हूँ ये अबाउट कॉन्टेक्ट ये सब लिंक ना आए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसी तरीके की एक कंडीशन लगा देता हूँ, एक कंडीशन मैंने यहाँ भी लगा दी, और यहाँ पे मैंने लिखा इफ नॉट रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट इज अंडर स्कोर स्टाफ, अगर मतलब लॉगिन नहीं हुआ है, ठीक है, अगर इस अभी जो विजिट कर रहा है जो यूजर वो स्टाफ नहीं है, तो ये लिंक दिखने चाहिए। इस एंड इसको मैंने एंड इफ भी लगा दिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंडीशंस लगा रहे हैं कि अगर लॉगिन नहीं किया है तो आप ये तीनों लिंक दिखाओ, होम का, अबाउट का और कॉन्टेक्ट का, बट होम पे क्लिक करने से हमारे लॉगिन पेज खुलना चाहिए। तो यहाँ पे एच आर ई एफ में मैं क्या करता हूँ, इसी तरीके का एक लिंक यूज़ कर लेता हूँ। अभी मैंने हैश लिखा था वहाँ पे, तो ये कहीं पे रिडायरेक्ट नहीं कर रहा था, बट अब मैंने यहाँ पे लिख दिया लॉगिन पे रिडायरेक्ट करवा दो, ठीक है, लॉगिन वाले यू आर एल पे पहुँचा दो। तो अबाउट कॉन्टेक्ट एंड यहाँ पे हो गया लॉग आउट। अब लॉग आउट के अलावा भी कुछ लिंक्स मुझे बनाने हैं यहाँ पे, पहले मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जब हम होम पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ये लॉगिन पेज खुल गया, यहाँ पे अबाउट आ गया, अबाउट को भी मैं डिज़ाइन करूँगा, ठीक है। कॉन्टेक्ट आ गया, अबाउट में हम एक इमेज भी यूज़ करेंगे, तो मैं आपको बताऊँगा कि अगर कोई इमेज हमारा स्टेटिक फोल्डर के अंदर रखा हुआ है तो वो कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, वो हम देखेंगे, ठीक है। अब हम लॉगिन करते हैं, मैंने एडमिन लिखा और पासवर्ड भी दे दिया एडमिन, लॉगिन पे क्लिक किया तो ये मैसेज आ गया लॉगिन सक्सेसफुली, ओके किया तो ये एडमिन का डैशबोर्ड खुल गया, ये लॉगआउट का ऑप्शन आ गया। अब लॉगआउट के अलावा एडमिन के कुछ और भी वर्क होंगे, वो मैं यहाँ पे उसके लिए भी लिंक बना दूंगा, डॉक्टर को मैनेज करना, पेशेंट को मैनेज करना, अपॉइंटमेंट को मैनेज करना, ठीक है। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे कुछ लिंक्स बना देते हैं। तो मैंने एक ये बता दिया कि लॉगिन के बाद क्या क्या लिंक आने चाहिए वो इसके अंदर रहेंगे, और लॉगिन करने से पहले क्या क्या लिंक आने चाहिए वो यहाँ बता दिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसी को कॉपी कर लेते हैं, लॉगआउट से पहले कुछ और लिंक्स बना लेते हैं, लेकिन अब मैं जो लिंक बनाऊंगा वो ड्रॉप डाउन वाले लिंक होंगे, ठीक है, ड्रॉप डाउन मेन्यू आप बोल सकते हैं उसको। तो कुछ नहीं है, जस्ट आपने जो एल आई बनाया है उसी को मैं आपको बताता हूँ कैसे आप इसको ड्रॉप डाउन के फॉर्म में बना सकते हो। तो एल आई में आपने क्लास यूज़ कर ली थी नेविगेशन आइटम, उसके अलावा आप एक और क्लास लगा दोगे ड्रॉप डाउन, ठीक है, जो आपने एल आई बनाया है उसमें नेविगेशन आइटम के अलावा एक और क्लास है ड्रॉप डाउन नाम की। फिर आपका यहाँ पे एंकर टैग है, क्लास यहाँ पे लगाई है नेविगेशन लिंक, नेविगेशन लिंक के अलावा एक और क्लास रहेगी ड्रॉप डाउन टोगल, ठीक है, नेविगेशन लिंक के अलावा एक और क्लास ड्रॉप डाउन टोगल, और उसके अलावा यहाँ पे जो एच आर ई एफ दिया है उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, हैश का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और लॉग आउट की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया डॉक्टर, अब डॉक्टर को हमें ऐड करना है, और मतलब कोई किसी डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन को ऐड करना या फिर उसको व्यू करना कि कौन कौन सा डिटेल हम ऐड कर चुके हैं, किस किस डॉक्टर का रिकॉर्ड्स को देखना, तो दो लिंक हम यहाँ देखना देना चाहते हैं, एक एड डॉक्टर और एक व्यू डॉक्टर, ठीक है। तो इसी एल आई के अंदर, ठीक है, इसी एल आई के अंदर आपको क्या करना है, एंकर टेक के एंड होने के बाद आपको एक डिवीज़न बनाना है। तो आपने एक डिवीज़न बनाया, डिवीज़न को ओपन किया, क्लोज किया, और डिवीज़न के अंदर आपने क्लास यूज़ कर ली, ठीक है, मैंने क्लास यूज कर ली ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है। तो डिवीजन बनाया, क्लास यूज कर ली ड्रॉप डाउन मेन्यू। अब जैसा मैंने यहाँ पे एंकर टेक बनाया था इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, है ना, या फिर ये जो नीचे जो एंकर टेक दिया है लॉग आउट वाला उसको कॉपी कर लिया और इसके अंदर पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे क्लास है नेविगेशन लिंक,
नेविगेशन लिंक की जगह आपको देना है ड्रॉप डाउन आइटम, ड्रॉप डाउन आइटम। एचआरईएफ में आप लिंक बता दोगे, तो मैंने लिखा एड डॉक्टर। ठीक है, अभी लिंक मैंने बनाया नहीं है, तो अभी मैं क्या करता हूँ इसको, पहले मैं आपको हैश लगा के जस्ट समझा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा एड डॉक्टर, ठीक है, इसको कॉपी किया और ऐसा ही मैंने एक और बना लिया, एड डॉक्टर के बाद व्यू डॉक्टर। ठीक है, एड डॉक्टर व्यू डॉक्टर। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का आ गया ये, बट अभी तो ये कुछ गलत तरीके का दिख रहा है, मुझे सही नहीं दिख रहा, तो कुछ मिस्टेक है यहाँ पे। एल आई यहाँ पे ओपन हो रहा है, डिव देखो यहाँ पे किधर वगैरह भी दिखा रहा है, ये एल आई गलत आ गया है यहाँ पे, हमें बस एंकर टेक कॉपी करना था। ओके, अब मैं रन करता हूँ इसको। ठीक है, तो अब आप देखेंगे ये ड्रॉप डाउन यहाँ पे आ चुका है, बट ये ओपन नहीं हो रहा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या मिस्टेक हो गई, ठीक है, आप W3 स्कूल में जाके भी इसका कोड आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप अगर जाते हैं यहाँ नेविगेशन बार में, तो नेविगेशन बार में ड्रॉप डाउन लिंक आपको यूज़ करना है, ठीक है, इस तरीके का। ठीक है, बट हमारा जो ड्रॉप डाउन लिंक है वो ओपन नहीं हो पा रहा है, इस पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो ओपन नहीं हो रहा है, तो इसमें चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे हमने क्या मिस्टेक की है। तो एल आई में मैंने क्लास यूज़ कर ली, सबसे पहले तो एल आई के अंदर मैंने क्लास यूज़ की नेविगेशन आइटम, ड्रॉप डाउन, एंकर टेग मैंने यूज़ किया, एच आर ई एफ में कुछ नहीं है, डॉक्टर लिखा है, नेविगेशन लिंक और ड्रॉप डाउन माइनस टोगल। अच्छा, मुझे एक और यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज़ करना है, डेटा माइनस टोगल। ठीक है, यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट आप यूज़ करोगे डेटा टोगल, क्योंकि आपको हाइड और शो करना है। ठीक है, दो वर्क करने हैं, तो टोगल का मतलब ही होता है हाइड करना, शो करना, दो काम एक साथ करवाना। तो ड्रॉप डाउन, जब एक बार क्लिक करें तो हाइड हो जाए, दूसरी बार क्लिक करें तो शो हो जाए। ठीक है, एक बार क्लिक करेंगे तो शो हो गया, फिर हाइड हो गया। ठीक है, तो कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, एक भी अगर एट्रीब्यूट वगैरह छूटता है तो हमारा प्रॉपर वर्क नहीं होता। अब जैसे ही हमने डॉक्टर बनाया है, वैसे ही मैं क्या बना लूँगा, एक में बना लूँगा पेशेंट के लिए और एक बना लूँगा अपॉइंटमेंट के लिए। तो इसको मैंने कॉपी किया, तो पहले डॉक्टर ले लिया, फिर डॉक्टर के बाद हो जाएगा पेशेंट, पेशेंट के बाद अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो उसको मैंने तीन बार कॉपी कर लिया जो हमने ड्रॉप डाउन बनाया था। यहाँ पे मैंने लिख दिया डॉक्टर के बाद मैंने यहाँ पे पेशेंट लिखा, तो ये 6 पेजेस हम बनाएंगे, एड डॉक्टर व्यू डॉक्टर, एड पेशेंट व्यू पेशेंट, एड अपॉइंटमेंट व्यू अपॉइंटमेंट। तो अगर आप एक सीख लोगे, जैसे एड डॉक्टर व्यू डॉक्टर मैं बताऊंगा, तो आप एड पेशेंट और व्यू पेशेंट खुद भी कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको एड डॉक्टर व्यू डॉक्टर का कोड लिख के बताऊंगा, तो आप ट्राई करना कि जो एड पेशेंट और व्यू पेशेंट का कोड है वो आप खुद से करो। ठीक है, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तो बता ही दूंगा, बट आप ट्राई कर सकते हो। और फ्रेंड्स, आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हो कि यहाँ पे इसकी जगह अगर ऐसा यूज़ करते तो ज़्यादा बेहतर होता है ना। मैं भी एक लर्नर हूँ, मैं सीखता हूँ और आपको सिखाता हूँ, तो हो सकता है कि कुछ अलग स्ट्रेटेजी हो जिसमें कम कोड लिखने से ज़्यादा वर्क हो जाए, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, या मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मैसेज करके बता सकते हैं। ठीक है, मॉड्यूल्स ऐड करना
अगर आपको है कि आप चाहते हैं कि बिल जनरेट हो जाए हॉस्पिटल में, या हम रूम को भी मैनेज करें, ठीक है, बेड कितने हैं वो सब मैनेज करें, मॉड्यूल्स तो एक अलग बात हो गई, ठीक है, बट आप मुझे जितना मैं कोड आपको बता रहा हूँ उसमें क्या हम इजी कर सकते हैं वो आप मुझे सजेस्ट करें, ठीक है। मॉड्यूल्स का ऐड, मॉड्यूल्स और क्या क्या ऐड कर सकते हैं वो तो खैर अलग बात है ना, बट आप मुझे जितना मैं आपको बता रहा हूँ उसमें आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, आप बता सकते हैं कि इसकी जगह पे अगर इसको यूज़ करते तो इसमें ये बेनिफिट होता, ठीक है, एड अपॉइंटमेंट, व्यू अपॉइंटमेंट। ओके, और एक इसके अलावा हम एक होम का बटन भी यहाँ पे दे देते हैं, तो जैसे हमने ऊपर एक होम का बटन यूज़ किया था है ना, एक लिंक यूज़ किया था होम के लिए, तो मैं वैसा ही एक यहाँ पे भी यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। इसका साइज थोड़ा सा यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया इसको, और एड डॉक्टर से पहले, डॉक्टर वाला जो लिंक है उससे पहले मैंने यहाँ पे लिखा होम, ठीक है, और यहाँ पे मैं आइकॉन लगा दूंगा, ठीक है। आइकॉन से आप और भी सर्च कर सकते हैं, लगा सकते हैं, अबाउट पे भी लगा सकते हैं, ठीक है, डॉक्टर पेशेंट इन सब पे भी आप आइकॉन्स यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे मतलब जो हमारा होम रहेगा उस पर क्लिक करने से हम रिडायरेक्ट करवाएंगे एडमिन का जो डैशबोर्ड था, ठीक है, मतलब जो इंडेक्स पेज था हमारा उसको ओपन करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने होम लिखा है ना, यूआरएल्स में हमने होम जो है यहाँ पे सेट किया हुआ था, अगर आप यूआरएल्स में देखेंगे इंडेक्स का जो नाम मैंने दिया था वो क्या दिया था, होम दिया था, ठीक है, तो इसीलिए मैंने वहाँ पे होम लिखा है ना, ये हमारा इंडेक्स पेज है एडमिन डैशबोर्ड, ठीक है। तो ये होम पेज पे तो यही खुलेगा, इन सब पे तो अभी मैंने लिंक दिए नहीं है तो कुछ भी ओपन नहीं होगा, बस हैश आ जाएगा। तो ये सारे नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ये एड डॉक्टर और व्यू डॉक्टर कोशिश करूंगा कि दोनों हो जाएं है ना, या फिर एटलीस्ट एड डॉक्टर वाला हो जाए या व्यू डॉक्टर, इसमें से कोई एक मॉड्यूल तो हो ही जाए, ठीक है। लॉग आउट पे क्लिक किया तो ये लॉगिन पेज खुल गया। अब यहाँ पे जो होम अबाउट है और ये अलग लिंक्स हैं, ये जब लॉगिन नहीं करेंगे तब ये लिंक्स आएंगे, लॉगिन करने के बाद लिंक्स चेंज हो जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे नेविगेशन बार में कंडीशन लगाई है कि जब हम लॉगिन नहीं किया है तो ये तीन लिंक दिखाने, होम अबाउट कॉन्टैक्ट, लॉगिन करने के बाद होम डॉक्टर अपॉइंटमेंट पेशेंट और लॉग आउट, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इतना कोड आपको समझ में आया होगा, कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए या आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।